तो हेलो दोस्तों, आज मैं दिखाएंगे आप लोगों को RXSonnet का गियर कैसे फिटिंग करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा जानकारी मैं दिया हूँ और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहे। वीडियो में सब कुछ जानकारी मिल जाएगा आप लोगों को। तो दोस्तों, हम इंजन को फिटिंग करने से पहले अभी इस चैम्बर में बियरिंग को फिटिंग कर लेंगे। नया बियरिंग डला है, पुराना बियरिंग हमने फेंक दिया। और इस चैम्बर को हम क्रैंक चैम्बर और गियर चैम्बर बोलते हैं इस चैम्बर को। तो अभी इसके ऊपर हम बिगिन को लगाएंगे, इसको क्रैंक भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से लगा देंगे। और इसको लगाने से पहले आप लोगों को प्लास्टिक का जो हथौड़ी होता है ना, वो हथौड़ी से लगाएंगे तो इसमें क्रैक भी नहीं आएगा और इसका जो नाट का जो थ्रेड है वो भी नहीं कटेगा। अभी दोस्तों पहले चेक कर लेंगे एक बार, ठीक से बैठे कि नहीं। देखो दोस्तों, हमने इसको पूरा अच्छे से बिठा लिया इसके ऊपर, ये अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा हिलडुल कर रहा है, जब दोनों चैम्बर हम ऊपर से लगा देंगे तो ये हिलडुल नहीं करेगा। तो दोस्तों, अभी इसके ऊपर हम गियर को फिटिंग करेंगे। इसको गियर पिनियन बोलता है। देखो दोस्तों, मैं जैसे फिटिंग करता हूँ, आप लोग अगर ऐसे फिटिंग करोगे तो आप लोग अच्छे से बिठा पाओगे। देखो दोस्तों, इसको इस तरीके से पहले लगा देना है आपस में, फिर उसके बाद इसको घुमा के अंदर डालना है। क्लच का साइड मैं ऊपर रख रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, पूरा बैठ गया। ये भी थोड़ा हिलडुल करेगा जब तक मैं ऊपर का चैम्बर ना लगा लूँ। ऊपर का चैम्बर लगाएंगे तो ये हिलडुल नहीं करेगा। तो अभी इसको सिलेक्टर बोलते हैं। एक साइड दो सिलेक्टर रहता है और एक साइड एक सिलेक्टर रहता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, जिधर दो सिलेक्टर रहता है उधर एक नंबर का सिलेक्टर और तीन नंबर का सिलेक्टर रहता है, और जिधर एक सिलेक्टर रहता है उधर दो नंबर का सिलेक्टर बैठता है। तो दोस्तों, हम पहले एक नंबर का सिलेक्टर जो है उसमें लगाएंगे और एक नंबर का सिलेक्टर उस साइड लगता है। ये देखो दोस्तों, सिलेक्टर का ये जो जिसमें गियर चेंजर में जिसमें लगता है ना, उस साइड इधर रहेगा। दोस्तों एक नंबर सिलेक्टर हमने बिठा देंगे पहले। ये देखो दोस्तों, उधर नीचे लगता है। और ये तीन नंबर का सिलेक्टर है, ये उसका एक गिरड़ी छोड़ के ऊपर लगेगा। ये देखो दोस्तों, इधर लगेगा सिलेक्टर। अरे दो नंबर का सिलेक्टर है, इस साइड बैठेगा। ये देखो दोस्तों, इसके नीचे ऐसे बैठेगा। देखो दोस्तों, दोनों सिलेक्टर हमने बिठा लिया अच्छे से। तो अभी दोनों सिलेक्टर के अंदर दो पिन रहता है, वो दो पिन डाल देंगे। उससे पहले हम गियर चेंजर को पहले इसके अंदर डालेंगे। तो दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ा इंजन ऑयल दे देंगे ताकि अच्छे से स्लिप करें, अच्छे से काम करें। दोस्तों ये जो इसका भी एक लगाने का तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ऐसे नहीं डालना है, इधर जो काट देख रहे हो, देखो दोस्तों काट, ये जो काट देख रहे हैं, ये जो नीचे जो, ये देखो दोस्तों, एक बॉल रहता है उसमें बैठेगा, क्योंकि न्यूट्रल का सिग्नल देता है। ठीक है, जब वो बॉल में अटच नहीं होगा ना तो दोस्तों वो काट, तब गाड़ी न्यूट्रल नहीं रहेगा, बस गियर में रहेगा। इसलिए दोस्तों इसको लगाना, अच्छे से लगाना बेहद ज़रूरी होता है। इसको इसलिए सावधानी से लगाना आप लोग। अगर वीडियो में अगर कुछ परेशानी रहे तो कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं हेल्प करेंगे कमेंट से। दोस्तों अभी हम इधर सिलेक्टर का जो पिन रहता है, दो पिन को डाल देंगे। देखो दोस्तों, एक पिन को डाल दिया आपने, अभी और एक पिन डालेंगे। इसका RXSonnet का जो इंजन है दोस्तों, एकदम आसान है, थोड़ा समझना ज़रूरी है। इसमें टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं रहता है, टू स्ट्रोक का इंजन होता है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, हमने पूरा फिटिंग कर लिया गियर चेंजर के साथ साथ, गियर पिनियन और बिगिन बोले तो क्रैंक, सब कुछ फिटिंग कर लिया। तो दोस्तों अभी इसके ऊपर जो दूसरा एक चैम्बर रहता है, इस चैम्बर को लगा देंगे। और चैम्बर को लगाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर आठा लगाना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके ऊपर आठा भी लगाएंगे और इसके साथ पैकिंग भी लगा देंगे, नया पैकिंग लाया मैं। ये देखो दोस्तों, इसको गैसकेट पैकिंग, गैसकेट भी बोलता है, पैकिंग भी बोलता है। देखो दोस्तों, ये पैकिंग लगेगा इधर। तो इसको लगाने से पहले थोड़ा सा रेसी बॉन्ड का यूज़ करेंगे, ये इंजन गम बोलता है। इसको पूरा लगा लेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये मेन चैम्बर है ना दोस्तों, इसमें आटा लगाना बेहद ज़रूरी होता है। जब आटा लगाएंगे तो ये अच्छे से बैठेगा, लीकेज नहीं करेगा, इंजन ऑयल लीक नहीं रहेगा। पैकिंग को पूरे तो अच्छे से डाल देंगे पैकिंग को। अब इसका जो ऊपर का जो चैम्बर रहता है उसमें भी आटा लगा लेंगे, गम लगा लेंगे अच्छे से।
जितना भी बेयरिंग रहता है दोस्तों, आप लोग अगर सब बेयरिंग चेंज करेंगे तो अच्छा रहेगा, तब आसानी से बैठता है और इंजन अच्छा काम करता है। तो दोस्तों इसको बिठाने से पहले आप लोग थोड़ा इंजन ऑयल का यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये अच्छे से बैठ जाएगा, ये थोड़ा दिक्कत होएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैं कितना आसानी से बिठाएंगे इसको, ये देखो दोस्तों कितना आसानी से बैठ गया। तो थोड़ा सा प्लास्टिक का हथौड़े का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही है, आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और लाइक के साथ साथ शेयर भी कर देना। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।